हिमाचल प्रदेश के ऊना में दिन दहाड़े एक आदमी से सोने की चेन लूटने का मामला सामने आया। इसी दौरान बदमाश सोने की चेन लूटकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि एक आदमी अपने मोहल्ले में सड़क पर घूम रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। लूट की घटना पास ही में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि अरविंद कुमार नाम का एक आदमी सड़क पर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से मास्क लगाए एक शख्स पैदल और हेलमेट लगाए दूसरा शख्स मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। पैदल चल रहा शख्स तेजी से अरविंद कुमार के पास आता और गले से सोने की चेन छीनकर भागने लगा। इसी दौरान वो इंतजार कर रहे दूसरे साथी संग मोटरसाइकिल से फरार हो जाता है। हालांकि अरविंद कुमार भी कुछ दूर तक उसका पीछा करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन दोनों बदमाश भागने में कामयाब रहे। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज किया जा रहा है। फिलहाल अरविंद कुमार ने थाने में लूट का केस दर्ज कराया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुट गई। पुतिन की परमाणु धमकी के बीच अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक इन्हें देखिए। घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और एडवांस जंगी जहाज को समंदर में उतारने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने 5 साल पहले ही यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया था, लेकिन इसे पहली बार तैनाती मिली। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को अमेरिका के वर्जीनिया में दुनिया के सबसे बड़े नेवी बेस में भेजा जाएगा, जहां नेटो देश इसकी मदद से अटलांटिक महासागर में रूस से निपटने की ट्रेनिंग लेंगे। खबर है कि इस ड्रिल में अमेरिका के जंगी जहाज के अलावा फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन के वॉरशिप भी शामिल होंगे। असल में अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन वो नेटो में शामिल किसी भी देश पर आंच आने पर चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए पुतिन को डराने के लिए उसने अपने सबसे एडवांस्ड वॉरशिप को समंदर में उतारने का फैसला कर लिया, जो समंदर में किसी चलते फिरते शहर से कम नहीं है। और इसे 2017 में अमेरिका की नौसेना के ताकतवर बेड़े में शामिल किया गया था, जिसका नाम अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेरल्ड फोर्ड के नाम पर रखा गया है। और दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी लंबाई 337 मीटर और वजन करीब 1 लाख टन। और इस जंगी जहाज में एक समय में 75 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट खड़े किए जा सकते हैं। साथ ही इस पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के अलावा 4000 से ज्यादा सैनिक भी तैनात किए जा सकते हैं। दुनिया के सबसे महंगे इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत करीब $1,300 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। और अमेरिका का ये महाविनाशक ऐसे समय में मिलिट्री ड्रिल में शामिल होने पर पहुंच रहा है, जब यूक्रेन युद्ध में कई मोर्चों पर मिली हार पुतिन बुरी तरह बौखला चुके हैं। और पिछले हफ्ते तो उन्होंने एक बार फिर अमेरिका और नेटो देशों को परमाणु हमले की धमकी दी थी। हालांकि यूक्रेन पर हमला करने से पहले भी पुतिन ने अपनी परमाणु ताकत का दम भरा था, और जंग छिड़ने के बाद भी रूस कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। लेकिन इस बार पुतिन ने खुद ऐलान कर दिया कि उनकी धमकी को कोरी कल्पना न समझा जाए। ऐसे में अमेरिका भी उनकी धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहता और उसने पुतिन की हर चाल से निपटने की तैयारी तेज कर दी। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि अजय देवगन को बेस्ट अभिनेता का सम्मान दिया गया। इट इज अ ह्यूज ऑनर टू हैव रिसीव्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड। यूपी के पीलीभीत में एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर एक मकान के अंदर घुस गया। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर नदी में छोड़ दिया। सुबह से बांग्लादेश में महिला एशिया क्रिकेट कप की शुरुआत होगी, जिसमें दोपहर 1 बजे भारतीय महिला टीम और श्रीलंका